नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। भाई कुवैत में बहुत सारे, मेरे पास सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि भाई कनाडा के नाम के या फिर सिंगापुर के बाद में कुवैत के सबसे ज़्यादा वीज़ा आते हैं। जी हाँ, वो एक अलग बात है कि आप लोग एजेंटों को देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ फीस लगती है तो आप लोग आराम से दोबारा कॉल और मैसेज नहीं करते, आपका वीज़ा 100% सही हो जाता है ऑटोमेटिक। जबकि आप मैसेज इसलिए करते हैं कि सर वीज़ा चेक कर दीजिए, ऑफर लेटर चेक कर दीजिए, सही है गलत है, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे कुवैत के बारे में, वीज़ा के बारे में। जी हाँ, 44 यानी ये लोग एजेंट, आप जो विदेश जाते हैं ना कुवैत के बारे में, भाई कान खोल के सुन लीजिए बात, जो एजेंट हरामी लोग अगर औरतों को भी नहीं बख्शते, 44 महिलाएं, जी हाँ, हैदराबाद एयरपोर्ट पे पकड़ी गई हैं, उनके पास फर्जी वीज़ा फर्जी टिकट थे। अब आपको समझ में आ जानी चाहिए, कुवैत के नाम से मुझे लगता है कि इतना तो कनाडा के नाम से भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, होता होगा जितना कुवैत के नाम से होता है। वो इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा कुवैत के वीज़ा आते हैं और चेक कोई नहीं करवाता, क्योंकि मैं फीस लेता हूँ डॉक्यूमेंट चेक करने की। अलग बात है कि एजेंटों को आप 5-10-15-20 हज़ार रुपये यूँ लौटा देते हैं, वो एक आपका पर्सनल मसला हो जाता है। हाँ, बता दूँ, पिछले मंगलवार की बात है, हैदराबाद पे 44 मेन यानी 44 महिलाएं पहुंची थी, उनके पास पूरा सामान था, साजो सामान था, घर से आराम से निकल के आई थी कि भाई हम कमाने जा रहे हैं कुवैत में। जी हाँ, एयरपोर्ट पे पहुंची, कहाँ पे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डा, जी हाँ, हैदराबाद में वो पहुंचे। उनके डॉक्यूमेंट वहाँ पे, आपको पता है फर्स्ट एंट्री में चेक होते हैं, सब एक बंदे के चेक किए, वो नकली निकले, फिर सबके चेक किए, तो सबके सबके डॉक्यूमेंट पूरे फेक और नकली थे, वीज़ा और टिकट दोनों के दोनों। जी हाँ, अब उनसे पकड़ का, आपको पता है फिर वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो CRPF को बुला लिया और उनके हवाले कर दिया कि चेक करो, इनको अंदर डालिए। उन्होंने उनसे बातचीत की, डॉक्यूमेंट तो महिलाएं, आपको पता है यार, जो लोग मजदूरी के लिए जाते हैं वो बेचारे क्या कर सकते हैं, उनकी बातों से 100% CRPF पुलिस को वहाँ पे पता लग गया था कि इनके साथ में ठगी हुई है, इनकी कोई गलती नहीं, ये तो खुद पीड़ित हैं, लोगों को पैसे दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। जी हाँ, उनको तो फिर रवानगी दे दी कि भाई आप अपने घर जाओ, आपके डॉक्यूमेंट फेक हैं। बाद में पता लगा, उन्होंने ये बताया कि हमारे लोकल एजेंट थे, उन्होंने, उनका संपर्क था बॉम्बे में, बॉम्बे वाले एजेंट ने उन एजेंटों के साथ में मिलके ये डॉक्यूमेंट हमें दिए गए थे। जी हाँ, उनको तो जितनी जानकारी थी उतने बता दी। अब मैं आपको जो बातें हैं वो क्लियर कट मैं बता देता हूं कि इनके साथ क्या हुआ था। जी हाँ, क्योंकि वो तो, उनको अगर इतना पता होता तो वहां तो फंसते ही नहीं ना। अब देखिए, आप अपने स्तर पे ले ले कि आप जिन एजेंटों के संपर्क में हैं, जो वो कुवैत हो चाहे वो किसी भी देश में हो, लेकिन आपका मैन कौन है आपको ही नहीं पता। आपका मैन कौन है, आपका जो एजेंट है उसको पता है कि आपका मैन कौन है? जी वो लोग है, देखिए आपका एजेंट भी हो सकता है वो गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो एक हरामी एक लोग बैठा है, उसके नीचे 20-30-50 एजेंट उसने बना रखे हैं, वो एक हरामी लोग, एक बंदा हरामी है, वो सब लोगों के साथ गेम खेलता है। और ऐसे लोगों का टारगेट होता है 100-200-500 लोगों के साथ एक साथ टोपी पहनानी होती है, सस्ता लालच दिया जाता है, 40-50 हज़ार के बीच में 200-200 लोगों से पैसे लिए, 1 करोड़ या 50 लाख, जो जितने भी पैसे बनते हैं, पैसे लिए, मोबाइल स्विच ऑफ और मामला रफा दफा हो जाता है। गारंटेड बात है, इनके साथ भी ये होने वाला है। ये महिलाएं वहां पहुंच गई, घर पे जाते ये लोकल, ये तो लोकल एजेंटों को पैसे दिए, वो तो उनको पकड़ लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट नकली है। अब वो एजेंट भी मूर्ख थे कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया या क्या मिस्टेक थी, या हो सकता है वो तो मिली भगत नहीं कर सकते यार, आपका पड़ोसी एजेंट तो गलत कैसे कर सकता है। मान लीजिए ये बुक है, इसमें से आपके पड़ोस में जितने भी मैन पावर ऑफिस हैं उनके थ्रू आप जाते हैं, तो ये तो गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपके पास के हैं, अगर आपके साथ गलत करेंगे तो आप पकड़ लोगे उनको। हाँ, आप बोल रहे हैं हिमाचल से, आप बोल रहे हैं पंजाब से, पहुंच गए कलकत्ता, आजकल कलकत्ता लोग ज्यादा जाने लगे, मेरे पास जैसे मैसेज आ रहे हैं, तो वहां अगर गलत हो गए तो आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझ गए बात को। तो ऐसी स्थिति होती है मेरे भाई, जो कुवैत वाले हैं ना, सबसे बड़ा रीजन क्या है आपका, कि आपका जो वीजा आता है ना वो चेक हो जाता है, ऑनलाइन स्टेटस क्यों दिखा देता है, जबकि उसमें पासपोर्ट नंबर नाम नहीं होता, तो आपको घंटा पता नहीं लगता कि ये वीजा ओरिजिनल है। एक ही वीजा को अलग अलग नंबर से, आप एक ही वीजा को 50 लोगों को चेक करवा दो, ये देखो जी आपका वीजा है, उसी वीजा को एडिट करके दूसरे को डाल दो, और उसी को तीसरे को डाल दो, सबको डाल दो और सबको वीजा चेक करवा दो, चेक हो जाएगा, बंदे खुश होकर आराम से पैसे दे देंगे। लेकिन आप लोगों ने सौगंध खा रखी है, इन मैन पावर ऑफिस से आपको अप्लाई नहीं करना जी, क्योंकि ये तो कम ज्यादा पैसे लेते हैं और ज़्यादा समय लेते हैं, कम तनख्वाह देते हैं, ये आपको पसंद नहीं है। आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है, जो कम समय में तनख्वाह डबल दे, कम पैसे में काम करवाए, लेकिन वो इंडिया तक ही सीमित है, आप बाहर नहीं जा सकते। आपके पास जितनी पैसे ब्याज पे ले लुआ के लिए हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो बस ये अपडेट देनी थी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।